जो लोग भाई आगे भी अपना देना चाहते हैं तो उनको भी दिक्कत ना आए, यानी कि केवल आपका मेंस के लिए नहीं, थोड़ा बहुत फ्री का भी किया जाए ताकि आपका दिक्कत ना आए। तो इधर इधर जो धारणाएँ आपका आज पढ़ाई जाएंगी, मेंस में कम और फ्री में ज़्यादा बनती है। आइए देखा जाए, आपका अध्याय दो शुरू किया जाए, आईपीसी का चैप्टर टू शुरू करना है, जनरल एक्सप्रेशन या साधारण स्पष्टीकरण भाई नोट्स में है, आपका एक दो बातें ही नोट से बाहर जाएंगे उसको हम लिखवा देंगे। ये आईपीसी का कितने लोग को नोट्स नहीं मिला गया था, दस कराते हैं भाई, तो कल आप लोग आते ही ले लीजिए, 10 ग्यारह 15 करा देते हैं, कल ले लीजिएगा भाई आपका 50 रुपया है किसी का, तो कल आप लोग भाई नोट्स ले लीजिएगा ताकि भाई देखिए आपका मैच के लिए अलग लिखवाया जाएगा, फ्री के लिए आपको नोट नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपका अध्याय दो की विशेषता देखिए, यहाँ से आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनता है। चैप्टर दो साधारण स्पष्टीकरण है, यानी कि स्पष्टीकरण मतलब एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना मतलब होता है कुछ शब्दों की व्याख्या करना। अर्थात अध्याय दो में धारा 6 से लेकर 52 तक में कुछ शब्दों की व्याख्या की गई। ये जो अध्याय दो है यह अध्याय आईपीसी का क्रोध या कुंजी कहा जाता है, यानी कि दूसरा नियम याद रखना पूछा भी जाता है कि आईपीसी की कुंजी या आईपीसी का क्रोध, देखिए और कमरा नहीं है देखिए आईपीसी का अध्याय तो क्रोध कहा जाता है। ठीक है आपका भाई, आपका फिर एक बार देखिए ये आपका अध्याय दो आईपीसी का क्रोध या कुंजी या धुरी कही जाती है। अब जो कुंजी कही जाती है इस पर पहले विचार किया है, अध्याय दो में कुछ शब्दों को क्लियर किया गया है, स्पष्ट किया गया है, और ये जो शब्द है ये जो अपराध की धाराएं हैं उन धाराओं में जुड़कर और उनको क्लियर कर देती हैं, यानी कि अपराध की परिभाषाओं में जो एसेंशियल एलिमेंट या आवश्यक तत्व हैं ये शब्द उन आवश्यक तत्वों से जुड़ेंगे और अपराध की परिभाषा को बिल्कुल क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, साफ कर देंगे, यानी कि जो अस्पष्टता है उसको पूरी तरह क्या कर देंगे, दूर। अब कैसे दूर करते हैं ये देखिए, एक उदाहरण देखिए जो कुंती या अध्याय कहा जाता है। देखिए जैसे चोरी की परिभाषा उठाई जाए तो चोरी की परिभाषा में आपका 5 तत्व है, 5 तत्वों को पहले हम बताते हैं और परिभाषाओं से देखते जोड़ते हैं। पहला चोरी का तत्व है संपत्ति कैसी होनी चाहिए, चल या जंगम या आपका अचल या मूवेबल। तो मूवेबल प्रॉपर्टी कौन मानी जाएगी, इसका राज धारा 22 खोल दें। तो चूँकि धारा 22 चल संपत्ति का राज खोलती है, अतः अध्याय दो को आपका मैंने आईपीसी की कुंजी कही जाती है। कभी आपका बिहार में भी पूछा गया था कि संविधान की कुंजी कौन सा है, तो संविधान की कुंजी कौन है, कौन ऐसा प्रावधान है जो संविधान को काराज खोल कर रख देता है, नियमबल यानी कि उद्देश्य पूछा भी गया था, ऐसे ही सतर्क रहना है कोरिलेशन में। दूसरा है चल संपत्ति का किसी के क्या होना, पजेशन में आधिपत्य में
कब्जे में, तो कब्जे का राज जो है कि कौन सी धारा 27। इसके बाद वह संपत्ति हटाई गई हो, तो हटाई गई हो में आपका 378 में दिया गया था सम्मति के बिना, यानी कि सम्मत के बिना, वो सम्मत भी अलग से परिभाषित नहीं है, लेकिन आपका संपत्ति हटाते समय इरादा इंटेंशन किसका हो, बेईमानी, तो बेईमानी शब्द को कौन सी धारा परिभाषित करती है। तो फिर एक बार देखिए इसको बैठ वर्जन अध्याय दो, अध्याय दो क्यों आईपीसी की कुंजी कही जाए, क्योंकि अध्याय दो में जो शब्द एक्सप्लेन किए गए हैं, स्पष्ट किए गए हैं, वे अध्याय अपराधों के आवश्यक तत्वों से जुड़ते हैं और उन अपराधों के आवश्यक तत्वों को व्याख्यित करते हैं, स्पष्ट करते हैं, यानी कि जो संदेह रहता है उसे दूर कर देते हैं। अतः अध्याय दो आईपीसी का क्रोध या कुंजी या धुरी कहा जाता है, याद रखिए। अब अगला नियम आइए, ये तो आपका हो गया मैंने आपका अध्याय दो की विशेषता। अध्याय दो आपका धारा 6 से लेकर 52 तक दिया गया है और इस अध्याय में आपका कुछ स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण का मतलब आपका आयोग ज़्यादा स्पष्टीकरण न पूछकर परिभाषा पूछता है कि परिभाषा की धारा में दी गई है किसकी, तो धारा 6 से लेकर 52 की। लेकिन कानूनी तौर पे मैं बता दूँ एक उदाहरण, ये परिभाषाएँ नहीं हैं बल्कि ये क्या है, साधारण स्पष्टीकरण। क्योंकि एमपी ने ही एक बार मॉडल बनाया कि अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो उसमें दिया आईपीसी की धारा 40 भी दे दिया और सीआरपीसी की धारा 2N दे दिया, दोनों में से एक चुनना है। वास्तव में देखा जाए तो आईपीसी भाई परिभाषा नहीं है, क्या है लीगल तौर पे, साधारण स्पष्टीकरण, और आपका सीआरपीसी की धारा 2 में स्पष्ट रूप से डिफिनेशन लिखी गई, तो कौन आप लोग सही मानेंगे, सीआरपीसी क्या 2N। अब आइए आगे बढ़ाते, आइए धारा 6 देखा जाए। जब भी अब शुरू किया जाए भाई सेक्शन, जब भी धारा 6 पढ़िएगा कम से कम कई चीज़ें को ले करके पढ़िएगा और कहाँ कैसा क्वेश्चन बना है वह भी हम बताते रहेंगे, फ्री में बिहार में बना भी था आपका पिछली बार हम बताएंगे। जब भी धारा 6 पढ़िए तो आईपीसी का अध्याय 4 पढ़ना है, यानी कि धारा 6 के साथ अध्याय कौन सा पढ़ना चाहिए। अध्याय 4 में धारा 76 से लेकर 106 तक पढ़ना है। फिर इन धाराओं को 2 वर्गों में बांट लिया जाता है, एक 76 से लेकर 95 तक और दूसरा 96 से लेकर 100। जब भी धारा 6 पढ़ेंगे तो आईपीसी की धारा 40 पढ़ेंगे, आईपीसी की धारा 41 पढ़ेंगे, आईपीसी की धारा 42 पढ़ेंगे और 7 नियम की भी एक धारा आपको कोरिलेट करना पड़ेगा, तो 7 नियम की धारा कौन सी पढ़ेंगे 100 में। बिहार में पूछा गया था, यानी कि बिहार में जो पूछा गया था आपका 7 नियम की धारा 105 इसके पहले वाले में पूछा गया। एक करके देखिए भाई, आपका एकदम शुरुआती धारा 6 ना उठाइए, एकदम शुरुआती दौर से मैं उठाता हूँ ताकि हर एक जगह से दिमाग स्थिर करके समझिए भाई, आपका धारा 6 इतना कोई बताता नहीं है, लोग पढ़ाते नहीं, लेकिन ये आपका कुंजी है अध्याय 4 की, यानी कि अध्याय 4 की राज को कौन सी धारा खोलेगी 6। तो क्वेश्चन नया बन सकता है, आईपीसी के अध्याय 4 की कुंजी या क्रोध या धुरी कौन सी धारा है, तो धारा 6, और पूरी आईपीसी की कुंजी तो अध्याय 2 6 से लेकर कहाँ तक 5। दो एंगल से आपका याद रखिएगा, दो एंगल हम बता रहे हैं,
अध्याय चार की कुंजी पूछे तो धारा छः और पूरी आईपीसी की कुंजी पूछे तो कहाँ से कहाँ तक 6 से 52 के। फिर एक बार देखिए भाई आपका शुरुआत किया जाए, देखिए एक नियम पहले बनाइए, शुरुआती दौर से आईपीसी में बताया जा रहा है, झारखंड एटीओ में पूछा है। अपराध के लिए, ऑफेंस के लिए दो बातें आवश्यक हैं, एक आपका एक्टस रिया यानी कि आपराधिक काल और दूसरा मेंस रिया यानी कि तुरंत। पूरा डिटेल में 3-4 दिन चला, मैक्सिम भी है एक्टस नॉन फैंसिक रियम, आपका नाइसी मेंस सिट रिया यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इरादा उस कार्य को करने का न हो, यानी कि अपराध कार्य के साथ आशय भी होना चाहिए और अगर आशय नहीं है अभियुक्त ने कार्य किया है तो आपका 76 से लेकर 106 तक में यानी कि आईपीसी के अध्याय 4 में धारा 76 से लेकर 106 तक में ये प्रावधान किया गया है कि अगर व्यक्ति ने आपराधिक कार्य किया लेकिन उसका आशय उस कार्य को करने का नहीं था या उसका कार्य न्यायोचित उचित जबकि भाई या न्यायानुमोद्य था तो ऐसी दशा में वह बचाव का हकदार होगा और उसे कोई सजा नहीं दी जाए। यानी कि अध्याय 4 के एटीओ में पूछा है कि दंड की धाराएं हैं कि बचाव की और आपका अध्याय 4 कहाँ से कहाँ तक है, 76 से लेकर कहाँ तक 106, कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, एक सामान्य बचाव और दूसरा प्राइवेट प्रतिरक्षा। बंटवारा कर दीजिए भाई, सामान्य बचाव कहाँ से कहाँ तक 76 से 95, प्राइवेट प्रतिरक्षा कहाँ से कहाँ तक 96 से लेकर कहाँ तक 100। अब इसका बंटवारा किया है, 76 से लेकर 95 तक ये बताया गया है कि एक्टस रिया तो होता है लेकिन मेंस रिया नहीं होता, अर्थात 76 से लेकर 95 तक की जो धाराएं दी गई हैं अभियुक्त को इसलिए बचाव दिया जाता है कि वह आपराधिक कार्य तो करता है लेकिन उसका इरादा उस कार्य को करने का नहीं है। ये 36वां मेले में पूछा गया क्यों भाई कि 76 से 95 में बचाव का आधार क्या है, तो आशय का न होना, आपराधिक मनः स्थिति की अनुपस्थिति या दुराशय न होना ये मामला, जबकि आपका 96 से लेकर 106 तक में बचाव का जो आधार है वह अलग है, कार्य का न्यायानुमोद्य होना, कार्य का उचित होना, कार्य का जबकि स्थायी होना, कार्य का निर्गुल होना, यानी कि 96 से लेकर 106 तक में ये दिखाया जाता है कि हजूर कोई भी व्यक्ति अगर मेरी कंडीशन में रहता तो वही करता जो मैंने किया, अतः मैं मेरा कार्य क्षम्य है, अतः मुझे माफी दी जाए, मुझे सजा न दी। तो आगे बताया जा रहा है, अब समस्या ये है कि जो साधारण अपवाद आईपीसी में 76 से लेकर 106 तक में दिए गए हैं इनको साबित करने का भार किस पर हो, क्या प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा कि अभियुक्त को साबित करना पड़ेगा, ये आपका ये बिहार में पूछा गया था, तो अभियोजन या प्रोसिक्यूशन को साबित नहीं करना है, इसे न्यायालय में सिद्ध या प्रमाणित या आपका साबित या प्रूफ किसे करना होगा, एक युग को यानी कि अभियुक्त। एक उदाहरण देखिए, एक उदाहरण कोई धारा उठाया जो भाई आपका 100 उठाया कहते हैं, आपका धारा 100 में 7 ऐसी कंडीशन है जहाँ की कोई व्यक्ति
स्वयं की प्रतिरक्ष स्वयं के शरीर संपर्क अलग जाए स्वयं के शरीर की प्रतिरक्षा और अन्य व्यक्तियों के शरीर की प्रतिरक्षा के लिए सात कंडीशन में किसी अन्य व्यक्ति यानी कि हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकता है। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति है बी की हत्या किया है और ए पर बी की हत्या का मुकदमा चल रहा है, तो ए अपना बचाव 100 में सेट करता है कि जो अगर हम बी को नहीं मारते तो बी हमें ही मार देगा, अतः मैंने सेल्फ डिफेंस में बी को मारा। तो यह न्यायालय में साबित करना कि मैंने अपने बचाव में बी को मारा है, ये कौन साबित करेगा कोर्ट में? ए मतलब कौन हुआ? अभियुक्त। तो ये एविडेंस की धारा जोड़ लेनी है, यही बिहार पूछा गया था। धारा एक कर लीजिए, कौन सी धारा है? 105। अरे गलत था, कौन सी धारा है? 105 आपराधिक मामलों में लागू होगी कि सिविल की? दोनों बताइए, किसमें बताया जा रहा है? हाँ, सिविल में नहीं। किस पर सबूत का आधार होगा? अभियुक्त। किस मामले में ये लागू होगी? केवल सिविल। अरे रटी और कोई उपाय नहीं है। तो एविडेंस कर गया, अब देखिए आप 76 से लेकर 106 तक का बचाव किन अपराधों में लिया जा सकता है, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि अभियुक्त अपना बचाव ले। ये आपका एसजेएस में भी पिछली बार पूछा गया था, झारखंड में भी आपका, जो मैं अब क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, कहाँ कौन क्वेश्चन आया ये भी मैं लगातार बता रहा हूँ। और जो मैं बताया कि आपका 76 से 95 दुराशय का अभाव और 96 से लेकर 106 काल का जस्टिफाई, ये एमपी छत्तीसगढ़ कई राज्यों में ये भी अलग अलग क्वेश्चन है। आज का लेक्चर में कई क्वेश्चन आपको मिले, इसमें सब नए बने। अब कौन कितना दिमाग लगा कर पढ़ता है वो तो आपके ऊपर है भाई। देखिए आदमी प्रयास करता है पूरी ताकत लगाकर पढ़ाने में, और नहीं अगर मन रहेगा तो आदमी नहीं पढ़ा। ये नहीं कि जबरदस्ती नहीं, भले दो दिन क्लास बंद हो जाए, नहीं इच्छा बात नहीं पढ़ाएगा, लेकिन पढ़ाएगा वो अच्छे से ही पढ़ाएगा। नहीं तैयार रहता फिर भी मैं छोड़ देता हूँ भाई, आधा अधूरा न पढ़ाइए, क्योंकि आधा अधूरा पढ़ेंगे अगर वही कंपटीशन में आ गया तो आप ही कहेंगे कि सर तो पढ़ाई नहीं। कुछ ऐसे बदमाश हैं कि 4 दिन आएंगे 5 दिन गए, और 3-4 साल 2 साल 1.5 साल पढ़ेंगे और कभी नहीं निकलेगा कंपटीशन, तो कहेंगे कि सर तो पढ़ाई नहीं, और सर कहते हैं कि आप रेगुलर काम थे सब कुछ नहीं, और सर पढ़ाए नहीं, तो सर क्या छोड़ेंगे बताइए। थे बिहार एपीओ में इतना पढ़ाया गया, क्या छोड़ा गया? और बिहार जे के लिए पढ़ाया जा रहा है, बिहार एपीओ के लिए भी चल रहा है, ऑनलाइन के लिए तो और फायदा है, आपका माइनर भी चल रहा है मेजर में, और अभी लग भी जाएगा शाम को कोई सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट एक साथ चलेगा, वीडियो देख के नहीं बैठे। देखिए आपका यहाँ इन अपराधों का बचाव इन सामान्य अपवादों या साधारण अपवाद जनरल आपका साधारण अपवाद का बचाव इन अपराधों में, तो अपराध की परिभाषा आईपीसी में कहाँ दी गई है? अपराध कवर करिए, आखिर आईपीसी में अपराध का मतलब क्या है? तो जो आईपीसी के तहत अपराध हो, जो विशेष विधि के तहत अपराध हो, और जो कौन अधमान, ये देश में भी आजकल पिछली बार उपरोक्त सभी मार कराना है। अब यही आप लोग फिर एक बार देखते, आईपीसी के तहत अपराध की शुरुआत की धारा से 105, विशेष विधि की परिभाषा आईपीसी की धारा में 41 और स्थानीय विधि की। अब एक लाइन आप लोग बताइए, ये जो 76 से 106 का बचाव है ये किन अपराधों में अभियुक्त ले सकता है? आईपीसी के तहत अपराध की विशेष विधि के तहत की स्थानीय की उपर्युक्त सभी, क्यों उपर्युक्त सभी हम आप लोग बता रहे हैं? क्योंकि तो अपराध को कहाँ स्पष्ट किया गया है 40 में
और अपराध शब्द आया है तो सीआरपीसी ना जोड़ लीजिएगा। यहाँ आईटीसी की धारा 40 और अपराध में केवल आईटीसी वाले अपराध ही नहीं बल्कि स्पेशल लॉ और लोकल लॉ वाले अपराध भी हैं तो उपरोक्त सभी मान। अब छः क्या करती है पूरा आप जैसे कि दुश्मन को घेर लिया जाता है तो अपने आप गोली चलाएंगे तो मर जाएगा, उसी प्रकार चारों कोर्ट के धारा 6 को अब घेर लिया गया है। अब अटैक किस पर करना है आपका धारा 6। धारा 6 क्या कहती है भाई दो दृष्टांत में। धारा 6 ये कहती है कि जो ये अध्याय 4 में 76 से लेकर 106 तक के प्रावधान दिए गए हैं ये सभी अपराधों की परिभाषाओं के नीचे लिखे हुए माने जाएंगे, सभी अपवादों के नीचे लिखे हुए माने जाएंगे, सभी परंतु के नीचे, सभी दृष्टांतों के नीचे, भले ही उन्हें दोहराया न गया। इसका मतलब ये हुआ कि 76 से लेकर 106 तक के प्रावधान जितने आईपीसी में अपराध हैं, जितने विशेष विध में अपराध हैं, जितने स्थानीय विध में अपराध हैं, सभी के नीचे ये धाराएं लिखी हुई मानी जाएंगी। और जब भी कोई सेक्शन पढ़िए तो हमेशा ये मानकर चलिए कि उसमें कौन समाहित है 76 से लेकर कौन 100, और सभी अपराधों में इनका क्या लिया जा सकता है बताओ। अब आइए आपका एक दो प्रश्न फिर एक बार समझिए भाई, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ इसको दूसरे एंगल से। धारा 6 अध्याय 4 की कुंजी इसलिए कही जाती है कि धारा 6 ये घोषणा कर देती है कि 76 से 106 की धाराएं सभी अपराधों में शामिल हैं भले उन अपराधों के नीचे उनको लिखा न हो। आइए देखा जाए आपका दो उदाहरण दिए गए हैं, हम भी एक बता दें चोरी का उदाहरण बता दें। कहीं भी चोरी की परिभाषा 378 में दी गई है और कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कितने साल से कम का बालक चोरी करता है तो वह दंडनीय नहीं है। एक 6 वर्षीय बालक चोरी करता है और ऐसी दशा में उस पर मुकदमा चलता है तो फिर धारा 6 का कमाल देखिए। धारा 6 ये बताते हैं कि जो चोरी की परिभाषा स्पष्टीकरण दृष्टांत दंड जितना दिया गया है ये मान कर चलिए कि 76 से 6 उसके बाद क्या है लिखी है यानी कि आपका 76 से 106 अप्लाई होगी और अभियुक्त इस अपराध में अपना बचाव ले सकता है कहाँ से कहाँ तक 76 से 106। तो बच्चा 6 साल का है चोरी में एज दी नहीं गई है तो तुरंत 82 काम करेगी और 82 कहती है कि अगर बालक अपराध करते समय 7 वर्ष से कम एज का है तो वह किसी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। और यूपी एपीओ ये बनाया भी था कि ऐसे बालक को क्या कहा जाएगा रोलिंग इंटरफेंस यानी कि अक्षम गुड़िया यानी कि अपराध करने में अक्षम व्यक्ति। ये अकाट्य तर्क है, निर्विवाद प्रमाण है, निश्चायत सबूत है कि ऐसा बच्चा अपराध करने में क्या है अच्छा। लेकिन एक लेकिन भी लगा दे रहे हैं, जो भी व्यक्ति ऐसे बच्चे से अपराध कराएगा वह व्यक्ति दंडनीय होगा लेकिन ऐसा बच्चा दंडनीय भाई। एक उदाहरण देखते आ जाए 108 का आईपीसी। एक व्यक्ति है और भी 6 वर्षीय बालक है, इसको जहर का प्याला दे देता है और कहता है कि जाकर सी को दे दो। सी ने जहर का प्याला सी को दे दिया, सी पिया मर गया। बालक का दायित्व बताइए, एक का दायित्व बताइए, बालक का किसी दंड का भागी होगा क्यों क्योंकि उसकी एज कितनी है 6 साल है और किसका बचाव लेगा प्याला। लेकिन एक हत्या के उस प्रेरण के लिए दंड का भागी होगा अगर ये घटना स्थल पर ही मौजूद है
YPC 114 के तहत हत्या के दुष्प्रेरण के लिए नहीं, अब डायरेक्ट किसके लिए हत्या करें, यानी कि कुल मिलाकर लास्ट लाइन बताई जाए, फिर तब आगे पढ़ा जाए। धारा 6 अध्याय की कुंडी 4 की कुंडी इसलिए कही जाती है क्योंकि धारा 6 ये घोषणा करती है कि 76 से लेकर 106 का बचाव हरेक अपराध में लिया जाएगा और हरेक अपराध की परिभाषा वृत्तांत, दंड, अपवाद और परंतु इत्यादि में ये माना जाएगा कि उसके नीचे ये सब क्या है लिखे गए हैं, खड़े दोहराया न। एक लाइन और, धारा 6 IPC को बड़ा होने से बचाती है, क्षेत्र को सीमित करती है, क्यों? क्योंकि धारा 6 नहीं रहती तो ये कहीं बात बार बार रिपीट की जाती, धारा दी जाती, दंड दिया जाता, पुनः पूरा 76 से 106 क्या करता, लिखना पड़ता, तो क्या मतलब दो लाइन में बता दीजिए कि सब जगह लिखा हुआ क्या होगा, मानव क्यों लिखने की आवश्यकता। अब कोई कंफ्यूजन हो धारा 6 में तो बताइए, नहीं तो अगली धारा चला जाए, क्योंकि आपका कंफ्यूजन हो तो बताइए, लगभग पूरा एंगल हमने कवर करा दिया। अब आइए भाई आपका धारा 7, एक बार स्पष्टीकरण पद का भाव एक लाइन का, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव का मतलब ये हुआ कि अगर किसी शब्द को एक बार स्पष्ट कर दिया गया या किसी में तो वह शब्द जहाँ जहाँ आए उसका मतलब वही होगा, जब तक कि विपरीत अर्थ उसका न दिया गया हो। एक उदाहरण भी देख लीजिए, आपका मान के चलिए कि धारा 24 में बेईमानी शब्द परिभाषित है, तो जहाँ जहाँ किसी में बेईमानी आएगा तो क्या बार बार उसको परिभाषित किया जाएगा, नहीं, एक बार जो परिभाषित कर दिया गया तो बेईमानी का मतलब क्या होगा वह। लेकिन एक और बात याद रखिए, अगर कहीं अलग से कानून ये चाहती है कि भाई का कि बेईमानी का हम अलग अर्थ दें तो अलग से उस धारा में स्पेशली उसको डिफाइन किया जाए, अन्यथा एक बार परिभाषित तो सदैव वही माना जाए। इसको आप और भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि TPA में आप लोग कहते हैं वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज कहा जाता है ना, या एविडेंस में कहा जाता है वंस ए टेनेंट ऑलवेज ए टेनेंट, यानी कि एक बार किरायेदार सदैव किरायेदार, और TPA में एक बार बंधक सदैव। बस उसी प्रकार धारा 7 एक लाइन, एक बार परिभाषा दे दी गई तो हर एक जगह वही परिभाषा आप क्या करिए मान। अब आइए धारा 8 लिंग, लिंग या जेंडर देखा जाए, पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में है, चाहे नर हो या ना। फिर एक बात यहाँ भी, अगर पुल्लिंग शब्द आया है तो इसका मतलब कि वह स्त्रीलिंग का भी द्योतक, याद रखिए जहाँ भी पुल्लिंग शब्द आया है यानी कि आपका मेल आया है वह फीमेल का भी द्योतक है। लेकिन लगा लेना, अगर कहीं बेयर एक्ट में स्पष्ट लिखा हो पुरुष तो उसमें फीमेल ना मार दीजिएगा, अगर कहीं लिखा हो स्त्री तब मेल नहीं, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर कहीं धारा में आ गए और अलग से लिखा गया है मेल फीमेल तो वहाँ दोनों ना मारिएगा, पुलिंग को पुलिंग रहने दीजिएगा और स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग, लेकिन व्यक्ति आ जाए तो उसमें स्त्रीलिंग और पुलिंग दोनों, तो दो तीन उदाहरण भाई जानना पड़ेगा ना। कुछ अपराध ऐसे हैं जो पुरुष द्वारा स्त्रियों के विरुद्ध ही किए जा सकते हैं, आपका जैसे धारा 509 हो गया, कौन सी IPC की धारा 509, 354 ए से लेकर 354 बी तक दुराचार इत्यादि, उतना नहीं बताना है तो उदाहरण, यहाँ अपराध केवल पुरुष द्वारा किया जा सकता है किसके प्रति स्त्री, तो यहाँ जो आपका रहेगा स्पष्ट बेयर एक्ट में पुरुष लिखा रहेगा, व्यक्ति नहीं लिखा रहेगा,
इसी गुरुत्व कारण वचन आ गई। वचन का मतलब ये हुआ कि जब तक यानी तत्प्रतुल आपका नंबर गई वचन, तो जब तक कि तत्प्रतुल आशय प्रतीत न हो, एक वचन में बहुवचन भी शामिल हैं और बहुवचन में एक वचन भी। लेकिन एक पॉइंट याद रखिए, जब तक कि आईपीसी में कहीं भी विपरीत प्रावधान न हो, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर आईपीसी में कहीं अलग स्पष्ट रूप से दिया गया है बहुवचन, यानी कि दो होने चाहिए, तीन होना चाहिए, पांच होना चाहिए, एक वचन अप्लाई न करें, नहीं दिया है तो एक ही पर्याप्त है। तो आपका आईपीसी में हम इस वक्त रेट इसको कर लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट से एक लाइन बता दें, आपका उत्तराखंड में दो बार देने बना। संविदा अधिनियम की धारा 9 में वचन कितनी प्रकार के होते हैं ये बताया गया है। वहाँ वादा दूसरा होता है, एक वचन बहुवचन नहीं। वहाँ वादा या तो एक्सप्रेस हो सकता है या इतना। तो वचन के कितने प्रकार पूछ ले संविदा नियम की धारा 9 में, दो। कौन कौन? या तो अभिव्यक्त या कौन विवक्षित। अगला क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट, वचन को कहाँ परिभाषित किया गया है? टू बी लास्ट लाइन कॉन्टेक्स्ट की देखिएगा, वचन क्या है? तो स्वीकृत प्रस्थापना ही क्या है वचन। यहाँ जो वचन आया है उसका मतलब नंबर से है, एक दो तीन चार, तो कम से कम कुछ तो बताइए। यहाँ की बहुवचन ही होना चाहिए, एक वचन काम नहीं करेगा। तो देखिए, भले आपका दिमाग कम गया गलत से लिख लीजिए, भले आपका कम से कम कितना व्यक्ति हो तो अपराध होगा, तो आप लोग बताइए 34 धारा किसी में कम से कम कितने व्यक्ति, एक वचन काम नहीं करेगा, स्पष्ट लिखा है। लिखना चाहे तो अलग से लिख लीजिए, धारा व्यक्तियों की संख्या कम से कम, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं भाई अलग से, धारा 34 आई पी सी में कम से कम कितना, दो। इसके बाद 141 आ जाती है, 141 बीस विरुद्ध जमाव में कम से कम कितना, पाँच। लिखते रहे एक क्वेश्चन यहाँ से। इसके बाद आपका पूछा जाता है, जो पूछा जाता है 146 को पूछी जाती है, पलवा में कम से कम कितने व्यक्ति, पाँच। पलवा में कितने, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भाई, 146 पलवा बिहार में आ गई। इसके बाद 159 दंगा में कम से कम कितने व्यक्ति, दो। दंगा में कम से कम कितने, यही लोग गलत करके आते हैं, पलवा में कम से कम पाँच, दंगा में और क्वेश्चन चल रहा है भाई। चोरी में भी एक हो सकता है, लूट में भी एक हो सकता है, उद्यापन में भी एक, लेकिन डकैती आपका अपराध है कम से कम कितना, तो 391 में डकैती परिभाषित है और इसमें व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितना, हाँ। लूट भी एक आदमी कर सकता है, चोरी भी आपका कर सकते हैं, अपराधिक दुरुपयोग भी आपका, उद्यापन भी, लेकिन डकैती में कम से कम, हाँ। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, कई लोग लूट में भ्रम रहते हैं भाई, जो नए लड़के रहते हैं सोचते हैं कि लूट तो भाई गंभीर है तो कम से कम दो होना चाहिए, और मार कर गलत आ जाते हैं भाई, नए पुराने नहीं, जितना लिखवा गया उतना तक ये सीमित रहे, जबरदस्ती आगे पीछे न करिएगा संख्या। आइए धारा 9 देख, धारा 9 हो गया, धारा 10 पिछली बार एमपी में आ चुका है, मेल फीमेल आपका मेल फीमेल आ चुका है, यानी कि पिछली बार आपका ये क्वेश्चन एमपी में पूछा था कि मेल फीमेल, और कहीं पूछा गया था, देखिए एमपी के बाद भी कहीं पूछा गया, धारा 10 अंडरलाइन कर लीजिए, मेल फीमेल बस ये पूछा गया था कि पुरुष स्त्री का मतलब किस आयु की पुरुष स्त्री दे देगा, 7 वर्ष से कम आयु की पुरुष है तो 16 साल से कम, स्त्री है तो 18 से कम, तीसरा दे देगा किसी भी आयु नर और नारी, और चौथा इनमें से कोई नहीं।
किस साल की? हाँ, लेकिन सतर्क रहना अच्छी। सामान्य नियम ये है कि अगर कहीं भी बेयर एक्ट में पुरुष और स्त्री आए तो वह किसी भी आय का पुरुष और स्त्री माना जाए, लेकिन गर्भस्थ शिशु इसमें शामिल नहीं है, ये भी याद रखना है। जो गर्भ में है वह इसमें शामिल नहीं है, उसके लिए अलग नियम है, लेकिन पुरुष और स्त्री आए तो किस आय का पुरुष स्त्री किसी भी। लेकिन फिर आप समझिए, लेकिन अगर आईपीसी की किसी धारा में स्पष्टतः एज का उल्लेख कर दिया गया है तो धारा 10 का नियम वहाँ लागू नहीं है। नहीं किया गया है, केवल स्त्री पुरुष आ जाए तो धारा 10 लागू होगी, चाहे पैदा हुआ एक मिनट हुआ हो या मरने के कागार पर हो, स्त्री पुरुष का मतलब सभी इसमें शामिल। कुछ अपवाद आप लोग भी बताइए भाई, पुराने लोग तो बताइए एक दो धारा, देखिए आप नहीं बताएंगे तो हम भी बता रहे हैं। सबसे अच्छा उदाहरण किसका है? आपका 361 देख सकते हैं, 83 देख सकते हैं, 83 देख सकते हैं, 90 देख सकते हैं, यानी कि कौन सी धारा है? अभी चार उदाहरण तो याद रखिए। आइए 361 देखिए भाई, किडनैपिंग। बीज कोण संरक्षक की संरक्षकता से व्यापार, इसमें एज निर्धारित है और किसी भी आय का नाम मार दीजिएगा। अगर नर है तो कितने से कम? 16 से, और नारी है तो 18। तो क्या धारा 10 लागू होगी कि स्पेशल प्रावधान सबके लिए नहीं, किस धारा के लिए? केवल 361। अगला देखिए 82। 82 में कितने साल से कम का बच्चा लिखा है? 7। तो क्या किसी भी आय का मार देंगे? नहीं, 7 अंक कम। 83 में 7 साल से अधिक कितना से कम? और आपका 12 वर्ष से कम कहाँ लिखा है? धारा 90। और बता जाए एक देखिए, ये उदाहरण बताने का मतलब एक रहने है कि अगर स्त्री पुरुष कहीं आए तो सामान्य नियम ये है कि किसी भी आय को स्त्री और किसी भी आय का पुरुष। जब तक कि इसके विपरीत कानून की किसी धारा में उल्लेख है, अगर स्पेशल उल्लेख है तो वह धारा लागू होगी, नहीं है तो कौन सी धारा? 11 है। धारा 11 देखिए, पर्सन को कई बार क्वेश्चन आया है, व्यक्ति को परिभाषित किया गया है, यानी कि पर्सन को किया गया है, और यहाँ लोग इंटरव्यू में भी गलत बता देते हैं। आपका होमोसाइड या मानव वध क्या होता है ये पूछा जाता है, तो देखिए लोग क्या बताते हैं भाई तेजी से। पहला तो क्वेश्चन इंटरव्यू में ये बनता है कि होमोसाइड क्या है बताइए, तो गलत ना हो। तो कई लोग बोलते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का वध करना ही मानव वध कहलाता है, बताइए सही है कि गलत? बिल्कुल गलत है, ये ना बता दीजिए। किसी मानव द्वारा दूसरे मानव का वध करना मानव वध कहलाता है। क्यों हम व्यक्ति को हटा दिए, इसका आपका उपाय सेक्शन 11 बताएगा। देखिए पर सेक्शन 11 को कवर किया जाए तब कुछ कोरिलेशन किया जाए। देखिए भाई, कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाल घटे रहे फ्री में पूछा गया, कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, व्यक्ति निकाय में व्यक्तियों का बाद समूह, चाहे वह निगमित हो या न हो। निगमित आपका धारा 4 में बताया गया था, निगमित मतलब पंजीकृत, पंजीकृत मने रजिस्टर्ड। निगमित मतलब क्या हुआ? चाहे इनका पंजीकरण किया गया हो या न,
तो क्या कंपनी व्यर्थ मानी जाएगी कि नहीं, और संगम व्यर्थ माना जाएगा कि नहीं, और व्यक्तियों का निकाय कोई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, क्या इनका रजिस्टर्ड होना आवश्यक है नहीं, चाहे ये रजिस्टर्ड हो या नहीं। अब जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या एक विधिक व्यक्ति है, जैसे कि आपका हो गया कंपनी हो गई, कंपनी भी विधिक व्यक्ति है, आपका कोई फर्म हो गए विधिक व्यक्ति है, ये जो विधिक व्यक्ति है यानी कि आपका अप्राकृतिक व्यक्ति है, ये न तो चल सकते हैं, न घूम सकते हैं, न सांस ले सकते हैं, न बोल सकते हैं, फिर भी इन्हें जबरदस्ती क्या मान लिया गया है व्यक्ति, और माना किस केस में गया, ये मैं दो बार आ चुका है सालोमन एंड कंपनी के केस में व्यक्ति अलग और कंपनी क्या अलग, तो क्या कंपनी किसी का मर्डर कर देगी, वो तो चल ही नहीं सकती, दिखाई ही नहीं देती, तो व्यक्ति में कंपनी भी शामिल है, संगम में व्यक्ति निकाय ये समूह होते हैं, ये बनावटी व्यक्ति होते हैं, ये न तो सांस लेंगे, न चल सकते हैं, न फिर सकते हैं, इनके द्वारा किसी का मर्डर न करा दीजिएगा, आर्थिक अपराध कर सकते हैं घोटाला होता है, लेकिन मर्डर वर्डर न कराइए, तो मानव वर्ग का व्यक्ति करता है कि मानव घटे रहिएगा। आगे व्यक्ति की परिभाषा को थोड़ा कोरिलेट करना, जो ये व्यक्ति की परिभाषा है ये आपका टीपीए में मिलेगा, और टीपीए की धारा 5 के सेकंड पैराग्राफ में, किस पैराग्राफ में सेकंड, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 के पैराग्राफ सेकंड में व्यक्ति को स्पष्ट किया गया, वहाँ भी व्यक्ति में जीवित प्राणी और कंपनी संगम समूह सभी को क्या किया गया है शामिल, चाहे वे रजिस्टर्ड हो या कंपनी संविदा कर सकती है, आपका संपत्ति खरीद सकती है बेच सकती है, लेकिन मर्डर नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो हवा में रहती है, बस कल्पना कर, जैसे भारत संघ, तो भारत संघ दिखाई कहाँ देता, वो तो विधिक व्यक्ति हैं भाई, वाइए 11 धारा 12 में पब्लिक यानी कि लोग यानी कि आम जनता परिभाषित है, तो आम जनता का मतलब जनता का कोई वर्ग या समूह, 13 रानी की समाप्त हो गई, यानी कि कहावत भी कही जाती है, राजा गए रानी गए, अब तो क्या है लोकतंत्र है प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है तो रानी की क्या आवश्यकता, सम्राट गए रानी नहीं, अब हमारा प्रजातंत्र है तो इस भाग का उपनिवेश भारत नहीं, 13 निश्चित है छोड़ दीजिएगा, हाँ इसके बाद आपका अभी 14 बताते हैं 3 जगह से, इसके बाद धारा 15 भी निश्चित है, 16 निश्चित है, 17 में सरकार है, 14 में सरकार का सेवक, 21 में लोक सेवक, तो 1